दोस्तों बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तस्वीरें मया कर रहे हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक भूचाल आने वाला है। ये तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात की है। उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है, इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार ना ही इस पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही कोई बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार एकदम साइलेंट हैं और ना ही वो बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, मिलना तक बंद कर दिया है। अभी हाल ही में जब जेपी नड्डा पटना आए थे तो वो वहाँ पर होते हुए भी जेपी नड्डा से नहीं मिलते हैं, और जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह से भी नहीं मिलते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है, वो चाहते थे कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए, दिल्ली के साथ ही बिहार के चुनाव भी फरवरी तक हो, लेकिन बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल तक नहीं दिया, इसलिए वो नाराज हैं। और इस बात की भनक बीजेपी को लगी है तो उसके बाद से ही बीजेपी ने लगातार दूसरे सहयोगियों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी समझ रही है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो उसका नुकसान हमको ना हो, इसलिए पहले अमित शाह ने चिराग पासवान से मुलाकात की और फिर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। ये दोनों ही बिहार के जातीय समीकरण के आधार पर मजबूत जनाधार वाले नेता हैं और दोनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों लंबे वक्त से बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनके पार्टी के नेता बैठे, लेकिन 19 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो मौका किसी दूसरे के हाथ लगने नहीं दे रहे हैं। आपने भी देखा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कभी बीजेपी के साथ आते हैं तो कभी पलटी मारकर आरजेडी के साथ जाते हैं, तो फिर कभी बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, लगभग वो यही करते हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में उनको पलटी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं। लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी को बीजेपी भी भाप गई है, और इसलिए अमित शाह ऑपरेशन बिहार में लग गए हैं कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ करते हैं तो उसके पहले ही अपने संगठन को, अपने गठबंधन को मजबूत रखा जाए। अभी हाल ही में बिहार सरकार के एक मंत्री जमा खान, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी है। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जमा खान ये कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस भी उनका सपोर्ट करेगी। दोस्तों ये तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जिन्होंने विपक्ष के तमाम दलों को साथ में लेकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, उसको मजबूत किया। हालांकि बाद में वो अलग भी हो गए, लेकिन फिर से एक बार ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं, और कहा जा रहा है कि नवंबर के बाद, यानी जब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, तो उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे भी ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जब भी कोई चुनाव आया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। इसी साल जब जनवरी में नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़े थे, वो इसी तरह से अपनी राजनीति करते रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी में भी तमाम तरह के विद्रोह देखने को मिल रहा है। उनकी पार्टी में एक वक्त में अध्यक्ष रहे ललन सिंह इस वक्त नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्री हैं, और इस वक्त वो पटना के बजाय दिल्ली में ज्यादा मिलते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार में जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, तो उस मीटिंग में ललन सिंह नहीं आए थे, जिसके बाद से ही सवाल उठने लगे। और अब इधर अमित शाह बिहार में अपना दखल बढ़ा रहे हैं, बिहार के नेताओं से मिलना शुरू कर दिया है, इसलिए और इस बात की अटकलें तेज हो गई कि वाकई में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दोस्तों नीतीश कुमार की नाराजगी की तमाम वजह हैं, जिसमें पहली वजह है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलना। बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ी है, जो 65% हुई है, उसको संविधान की नई अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम ना हो बल्कि एक ही रहे, लेकिन फिर भी 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को खत्म नहीं किया गया। ऐसी ही तमाम तरह की बातें सामने आई, जिसकी वजह से तमाम मौकों पर नीतीश कुमार की नाराजगी दिखी। एक और नाराजगी के बारे में आपको बता देते हैं, जब नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की बैठक बुलाई थी तो उसी विभाग के मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नहीं बुलाया गया। दोस्तों इन सब वजहों से यह तय माना जा रहा है कि जब नवंबर के महीने में महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे सामने आएंगे तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिसका असर दिल्ली तक देखने को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए चलते हैं, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे है, इस खबर को आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। शुक्रिया।